क्लेम टूटी, इसका मतलब जैसे टूट गई जुड़े ही। बंदों से मुलाकात करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, वो जो कि हमें बताएंगे। आएंगी, इधर ही खड़े में आ जाएं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, माफी चाहना जनाब, राजे नाराज थी ते मैं अधे लोगों कपड़े ला रहे तुसी दसो मनु क्लेम टूडे जिहड़ी कंपनी है इहदा फायदा की है? जनाब लोग नहीं जानते क्लेम टू दे एक बहुत चंगी कंपनी है, जैसा कि तुसी इश्तिहार देख रहे हो अजकल, ते साड़ी कंपनी बहुत पॉपुलर भी है। साड़ा स्टाफ जिहड़ा बहुत मेहनत नाल काम कर रहा, साढ़े को आला किस्म के वकील न जो 24 घंटे बस तैयार लोगों की खाल लाने वास्ते। तो जनाब जोड़े वकील हैं तुहानू राह चलते लग गई है, अर्ज किया टह पे हो, तुम क्लेम कर दो उस इट ते, क्लेम करो कि वो इट किदी है, समझ आई? असी उस इट खुल जा के पूछांगे भाई तू इत्थे की भी करदी है, वो इट सानू दसेगी कि भाई उन्हें किने इत्थे रखिया, असी वो बंदा लोड़ांगे, इट दे मालिक मकान जिहड़ा है उससे असी क्लेम ठोकांगे, उसके पिछलिया इटा ते असी क्लेम करांगे, उस तो पिछली आने वाली जी इटा उसते क्लेम करांगे, जरा सा जिन्हें क्लेम किया है उसी असी पैसे दवावे। यह साड़ी कंपनी का फायदा है। नाजरीन मैं तुम दसा पिछली बारी क्या हो कि एक बाबा जी टह पे राज, असा उन्होंने पूछा जी के बाबा जी तुम कितने टटे हो, बाबा जी जरा कमजोर याद आ रही नहीं याद आ रहा कि कितने टटे, असं उन्होंने गए बाबा जी दसो कितने लगी है तुम कितने जाने फिर सो उन्हें आख्या मैं रहना इस टाइम यही इस टाइम गए। उन्हें बाबा जी फिर बाबा जी कितने टटे, बाबा जी याददाश्त है कमजोर थी नहीं याद नहीं आ रहा सी कितने टटे, असा क्या बाबा जी क्लेम करना तुसा किनू करना है, उन्हें आख्या करी छोड़ो, मैं बाबा जी ठीक है जी नारे रेड़ी वाला से कुल्फियां लाइया सन, असा उससे क्लेम ठोक दिता, रेड़ी वाला आ गया साढ़े को वड्डा वकील लैके, असा सारे वकील बह गए सी जी बाबा जी लंघ रहे सन तेरी कुर्सी कुल्फी भी बना सह कुल्फी स्लिप हुई, बाबा जी लंघे पे सन कुल्फी पै लगा, बाबा जी टैप हुई, बाबा जी लत भज गई, अच्छा अगर बाबा जी लत नहीं सी भजी असा वकील भेजा ओके का बावे नु कुट के आए यार, बावे नु कुट के आए, मेरा माइक किधर गया? अगली बारी तो आनू असी ना ऐसे बंदे ना मिलावांगे जिहड़ा पुलिस वाला हो सके, उसको पुछांगे बंदियां नू तुसी पछांदे हो या अप्पू मार देंदे हो, अच्छा प्लीज शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और माहिर तंग करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदेद कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद दुनिया से बुराइयों को मिटाना है और हम इस तकनीक के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। नाज़रीन हमारे पहले मेहमान जैसा कि आप जानते हैं मोजिस
पुलिसमैन हैं जो कि अब जानते हैं पुलिस वाले तो बहुत नेक अच्छे शरीफ और अलग तबके के लोग होते हैं, वो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं पाकिस्तान में कि अब जानते हैं मैं बता नहीं चाहता। हमने इसी तरह काबिल और ऊंचे पुलिसमैन को बुलाया है जो 1990 में सिर्फ हवलदार भर्ती हुए और आज DSP हैं। तो नाज़रीन इस्तकबाल कीजिए हवलदार से DSP राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। सर क्या जी छोटे, मोस्ट वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आप ये बताएं सर, सबसे पहला सवाल है कि आपकी तालीम कितनी है सर? 10वीं की है। 10वीं से सर? और सर फिर आप रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? हमारे होते हैं जो से छोटे पागड़ बिल्ले, उनसे लिखवाते हैं जी। तो सर ये जो आप पागड़ बिल्लों से मुराद आपकी ये जो छोटे छोटे जड़े होने सारे नाग छोटे पीछे सूट मारने और अच्छा ये हवलदार वगैरह, यानी कि नाज़रीन नोट करें पागड़ बिल्ले जी। सर तो आप जब हवलदार बने तो आप कोई मकसद लेके पुलिस में आए थे कि आप आगे बढ़ना है, काम करना है? मकसद लेके कौन आंदा भाई, ये गर्म करने वास्ते भारतीय हो जाने, असी लोकां नूं लुटना साडा ही काम होंदा भाजी। तो लोगों को लुटना वगैरह जी। तो सर आप ये बताएं कि आपने रिश्वत लेके ये काम स्टार्ट किया? ऐ कोई गल की थी, कोई रिश्वत लेके गल शुरू कर दे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਂ ਸਖਤ $1,000 ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਂ ਚੁੱਕਲੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਤੋ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਤਰੱਕੀ ਕੈਸੇ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦੀਏ ਜਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਪਕੋ ਤਰੱਕੀ? ਓ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਏ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇ
ये छोटा सा टीवी है सर, इसमें हमारे पास कोई बचत नहीं होती, बहरहाल हम आपके लिए इंतजाम कर देंगे। सर आपसे ये सवाल पूछना था कि आपने कभी कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिए जो आपको याद रहा हो? बड़े कितने जी, कोई एक मसलन बताएंगे आप पसंद करना। एक बार एक किसी बंदे ने 10 नोट पानी सटे, मैं छाल मार के पड़े। 10 का नोट पानी, 10 का नोट पीछे मैं छाल मारी निनाए चिनाप। ठीक, तो मैं 10 का नोट मैं फड़िया उठ पर किसी ने गटर खोलिया, मैं कुड़दा कुड़दा थले बढ़िया जिनाए चिनाप, छाल मारी तो जिनाए जेलम तो जाके बाहर निकलिया मैं।